रविवार को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना संगठन बनाएगी, क्योंकि बिना मजबूत संगठन के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हमें जो भी सीटें मिलेंगी उन पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा का चुनाव सरकार बनाने के इरादे से पूरी ताकत लगाकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आपके जो 5 नेता आज जेल में हैं, वो हमारे हीरो हैं और हमें उन सभी पर बहुत गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आपने 10 साल में ही राष्ट्रीय राजनीति में बहुत प्रभावशाली दस्तक दी है। देश में पहली बार विरोधी दल स्कूल अस्पताल पर बात करने को मजबूर हुए हैं। अब तो इन लोगों ने हमारा गारंटी शब्द और मैनिफेस्टो भी चुरा लिया है। अब ये लोग भी मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी कहने लगे हैं। इन लोगों ने जनता को गारंटियां तो दी, लेकिन किसी ने पूरी नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो 5 नेता जेल में हैं, वो हमारे हीरो हैं और हमें उन पर बहुत गर्व है। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। केजरीवाल ने कहा कि देश में पहली बार जनता को आपके रूप में एक सही विकल्प मिला है। उन्होंने कहा कि 12 सालों में आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसका केवल एक ही कारण है कि हमने वो काम करके दिखाया है जो 75 सालों में दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई। देश में पहली बार लोगों को इन पार्टियों का एक सही विकल्प मिला है और लोगों को काम की राजनीति पसंद आने लगी। पिछले 75 सालों से पंजाब में इन दोनों पार्टियों ने एक एक करके राज किया और राज्य का वो हाल कर दिया कि युवा, व्यापारी, जनता और किसान सभी दुखी थे। 2 साल के अंदर पंजाब में जो काम हुए हैं वो ये दिखाता है कि अगर पूर्ण राज्य में हमारी सरकार हो तो आम आदमी पार्टी कितनी तेजी के साथ काम कर सकती है। जितने काम हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 8-9 साल में किए, आज पंजाब के अंदर कई क्षेत्रों में उससे ज्यादा काम हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी हम देखते थे कि जब भी कोई सरकार बनती है तो सबसे पहले वो लोग सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू करते हैं। वो एयरलाइंस, एयरपोर्ट, कोयला, खदान, भेल, रेल सब कुछ बेच देते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पंजाब में चल रहे प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट को पंजाब सरकार ने खरीद लिया है। यह 4000 करोड़ की कंपनी थी जिसे सरकार ने 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.